नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F21 Pro वर्सेस Samsung Galaxy A33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo F21 Pro में 6.3 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Oppo F21 Pro में 2.88 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo F21 Pro में 0.3 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo F21 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo F21 Pro में 182 ग्राम जबकि Galaxy A33 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Oppo F21 Pro में AMOLED जबकि Galaxy A33 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo F21 Pro में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy A33 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo F21 Pro में 85.28% जबकि Galaxy A33 5G में 83.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo F21 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A33 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Oppo F21 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A33 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo F21 Pro में Adreno 610 जबकि Galaxy A33 5G में Mali G68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo F21 Pro में Qualcomm Snapdragon 680 और Galaxy A33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo F21 Pro में 8GB जबकि Galaxy A33 5G में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी Oppo F21 Pro में 4500mAh जबकि Galaxy A33 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo F21 Pro में 2 कलर्स जबकि Galaxy A33 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo F21 Pro 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Galaxy A33 5G की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो F21 Pro में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A33 5G आगे है, मेन कैमरा में ओप्पो F21 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy A33 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A22 है, दूसरा Vivo Y72 5G है, तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।